हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मिक्स्ड वेज पनीर बनाऊंगी। शुरू करते हैं इस डिश को। इस डिश को बनाने के लिए चाहिए ग्रेटेड पनीर, ग्रेटेड गाजर, ग्रेटेड फूलगोभी, फाइनली चॉप्ड टमाटर, बॉइल्ड मटर, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड कोरिएंडर लीफ, चॉप्ड स्प्रिंग अनियन, चॉप्ड मिंट लीफ, स्लाइस्ड खीरा, स्लाइस्ड टमाटर, तेल, नमक, जीरा और चाहिए गरम मसाला पाउडर। पैन में तेल डालेंगे। इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा बन जाने के बाद इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें ग्रेटेड गोभी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें गाजर भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। गोभी और गाजर अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गया, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। आप पैन को कवर कर देंगे और वेजिटेबल्स को अपने मॉइस्चर में 3 से 4 मिनट पकाएंगे। वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब इसमें बॉईल किया हुआ मटर डाल देंगे। धनिया पत्ता, पुदीना की पत्ता, सारे डालने के बाद अब फिर से एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैन को और एक बार कवर कर देंगे और अपने मॉइस्चर में इसे 2-3 मिनट पकाएंगे। वेजिटेबल्स कुक हो चुकी है, अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ग्रेटेड पनीर डाल देंगे। फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे।
और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे अभी लगातार चलाना है जब तक ये पूरा डिश ड्राई ना हो जाए। मेरा मिक्स्ड वेज पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें स्प्रिंग अनियन ऊपर से डाल देंगे। पैन को कवर कर देंगे और इंडक्शन बंद करके इसे थोड़ा स्टैंडिंग टाइम देंगे। मेरा मिक्स वेज पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही होममेड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने सर्कल्स में। थैंक यू।